मुझे कराची ले चलो। जाकर चाचा साहब से कहो मुझे तुम्हारे साथ जाना है। क्यों? तुम मुझे लेकर जाओगे तो वापस भी ले आओगे। जब तुम उन्हें अपना माँ बाप ही नहीं मानती क्यों जाना है? बस आखिरी दफा मिलना है। और वो क्यों? याद आ रही थी, मिलकर वापस आ जाऊंगी। नहीं जी माँ। ये हया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। माँ यहीं होती है, आपको नजर नहीं आती। नजर नहीं आ रही या नजर बचाकर कहीं बैठ गई है? माँ आपने भी तो उसे थप्पड़ मार दिया। तो क्या हुआ? मैंने पाला है उसे, अगर फजूल बातें करेगी तो फिर। माँ वो मुर्तसिम भाई से। और तुम? लगता है तुम भी उसके नक्शे कदम पे चल पड़ी हो। नहीं माँ, मैं तो बस बात कर रही थी। फजूल बातें मत करो। उसने गलत बात की तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, तुमने कोई ऐसी बात की तो तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। जी जाओ जाकर देखो मीरब ने खाना खाया या नहीं खाया। उसके पास बैठा करो, उसका ख्याल रखा करो, उसे बहलाया करो। ये खामखा हया के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। जी। क्या जी? माँ मैं जाती हूँ मीरब के पास खाना लेके। मुझ पे मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे घर चलो।
मीरा भाई है शायद। मीरा? कहाँ गई? कुछ नहीं पता, माँ बेगम पूरे घर में ढूंढ पा लिया, मीरा कहीं नहीं है। भाग गई होगी। तुम तो चुप रहो। मैं तो चुप ही हूं। मैं क्या कर रही हूँ? जो कर रही है वो मीरब कर रही है। दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। होगी तो करेंगी ना। और विकास चचा, नीला चची, लाख उसके माँ बाप ना हो, कितने साल गुजारे हैं उसने उनके साथ। तुम कहना क्या चाहती हो? विकास चचा और नीला चची चले गए, मीरब को साथ नहीं लेकर गए, इसलिए मीरब उनके पीछे गई। और उसकी मदद किसने की? माँ बेगम, मैंने कुछ नहीं किया। फिर तुम्हें कैसे पता है कि वो वहां है? अंदाजा है मेरा, और कहां जाएगी? कौन लेकर गया उसे वहां? कौन? मुर्तसिम। मुर्तसिम लेकर गया है उसे। फोन भी नहीं उठा रहा मुर्तसिम। मुर्तसिम? बाबा दरवाजा खोले ना, देखिए ना, मैं घर वापस आ गई हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पे। अब इस लड़की की रातों को भी पहरेदारी करनी पड़ेगी कि कहीं भाग ना जाए। भागी नहीं है, भागी नहीं है। आपका बेटा लेकर गया उसे। मुर्तसिम ऐसा क्यों करेगा अपनी तरफ से? मीरब ने कहा होगा और ये साहब चल दिए होंगे। बहरहाल तुम वकास को फोन करके देखो कि अभी तक वही है क्या। मीरब को देखती हूँ। आवकास, अगर मीरब वहां पहुंचे तो उसे वापस भेज दो। भाभी बेगम काफी परेशान हो रही हैं उसे लेकर। मामा दरवाजा खोले। बाबा दरवाजा खोले ना, मैं मीरा आई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। विकास क्यों रुक गए? चले खोले दरवाजा। मामा, मामा यहाँ पे, दरवाजा खोले। मामा मैं आप लोगों को देखने के लिए आई हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। बाबा दरवाजा खोले ना, सिर्फ एक दफा दरवाजा खोल दे, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। दरवाजा खोल दे, प्लीज प्लीज खोल दे दरवाजा। सारी जिंदगी आप लोगों ने मुझे कितना प्यार किया, एक दफा, आखिरी दफा आप लोगों की शक्ल देखनी है मुझे। मुझे पता है आप लोगों को मेरी आवाजें आ रही हैं, प्लीज दरवाजा खोल दे, एक दफा मुझे मिलना है, एक दफा मुझे आप लोगों को देखना है। मैं वापस चली जाऊंगी, मैं तंग नहीं करूंगी आप लोगों को, प्लीज प्लीज एक दफा दरवाजा खोल दे। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा मीरा। क्यों नहीं खुलेगा दरवाजा? वो मेरे बाबा हैं, मुझ पे दरवाजा नहीं बंद कर सकते। मैं वाहिद हूँ जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम देखना वो मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खोल, बस एक दफा दरवाजा खोल दे। मैं आप लोगों को देखूंगी, आप लोगों से मिलूंगी, फिर चली जाऊंगी। प्लीज
आप लोग ही मीरा बाहर के नहीं हुई, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है दरवाजा खोल दे, मेरा क्या कसूर है दरवाजा खोल दे। कोई बाप भी अपनी बेटी पे दरवाजा बंद करता है? ये तो मेरा घर था, बचपन से मेरा घर था, आखिरी दफा आप लोगों का चेहरा देखूंगी फिर चली जाऊंगी दरवाजा खोले। मुझे पता है आप लोगों को मेरी आवाजें आ रही, आप लोगों को मेरी आवाजें आ रही है, दरवाजा खोल दे प्लीज, आखिरी दफा दरवाजा खोल। आप